मेरी अपनी गट फीलिंग है कि अगर 112 हो गया, अगर बचा लेती है तो वो अपने दम पे बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी मिलके वो सरकार बना लेंगे, आराम से, उन्हें बाहर की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए वीआईपी दो सीटों पर आगे है, यानी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी दो सीटों पर आगे निकल गई है, जीतन राम मांझी की हम दो सीटों पर आगे, एनडीए 116, आरजेडी 117, अरे वाह, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है बिहार विधानसभा चुनाव के इन रुझानों में। क्या टक्कर है, आरजेडी गठबंधन ने जो लीड बनाई थी, अब वो लीड ऐसा लगता है खत्म होती जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि एनडीए पहुंच गया 116 पर और आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन 117 पर बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गए हैं तेजस्वी यादव। अब देखना यह क्या एनडीए बहुमत का यह आंकड़ा रुझानों में पार करता है या नहीं, ताकि हम ये चर्चा कर सकें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी बन रही है सबसे बड़ी पार्टी 64 सीटों के साथ और 48 सीटों पर जेडीयू दूसरे नंबर पर है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होगी, मुझे लगता है इसमें अब कोई शक रह नहीं गया है, क्योंकि आरजेडी बीजेपी से बहुत आगे 90 सीटों पर है, 90 सीटों के साथ आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। जिस तरह से बीजेपी बढ़ रही है तो ऐसे में ये मत अभी कहिए कि ये फाइनल हो गया है, अब तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी और आरजेडी में भी कंटेस्ट हो जाएगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अभी तक नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अभी भी 26 सीटें से आगे है आरजेडी, 26 सीटों से नहीं, वो ज्यादा सीटों पे और ज्यादा सीटों पर लड़ी, 44 सीटों पे लड़ी है आरजेडी, दे हैव एन एज, वो 110 और 144 में 34 सीटों का अंतर है, तो हो सकता है आरजेडी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।